Okay, गुड yesterday day before I gave some questions for solving. I hope all of you have completed this question or not. Good morning, sir. All of you have completed? Okay, good morning. मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, आप लोगों ने कर लिया होगा? सर दिए थे ना प्रूविंग के? हेलो बोलो बेटे। सर नहीं दिए थे सर, क्लास खत्म। कोई प्रूविंग नहीं दिए थे? कोई भी सर दे रहे? नो सर, सर दे रहे थे सर, क्लास खत्म हो गया। ओके ओके ओके, केस लेंगे। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है बात ठीक है ना? वो बात ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, नाउ Yes, once again, I give you one question. Sir, prove that. Sir. Yes. Sir. The test नहीं लेंगे. Revision करा रहे हैं. बोलिएगा तो test भी ले लेंगे. क्या test कैसे help किया जाएगा maths का? बताओ. किस तरीके से? Sir, qjury.com पे. qjury.com. qjury.com qjury.com sir, survey from heart। दरअसल हम पेपर बना के, या तो पेपर बना के आपको सेंड करें, इमीडिएट आप चैप्टर का नहीं पेपर बना हुआ जाएगा। लिसन भी स्कूल कब खुलेगा? इमीडिएट बना के हम इमीडिएट हम आपको सेंड करें, और विद इन 20-25 मिनट्स यू हैव गिव मी द आंसर, तब तो चलेगा। कब करेंगे? और सामने सबके वीडियोस ओपन होने चाहिए। यस सर। तो थोड़ा सा सर कब करेंगे? थोड़ा सा दिक्कत यही है, तो इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन तो स्कूल शायद ओपन भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल ओपन होगा तो स्कूल के लिए न्यूज आएगी। वैसे देखिए, सबसे पहले 9 to 12 खुलेगा, देन आफ्टर 6 to 8। 9 to 12 तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खुलेगा ना? हैं? मैं बंद करूंगा। अरे कितने बजे से नहीं है, उसमें भी पेरेंट्स की कंसेंट के हिसाब से ही चलेगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होगी उससे स्कूल खुलेगा, अदरवाइज नहीं। देखिए एक थ्योरम प्रूव करिए, प्रूफ हम लिख रहे, जल्दी से करके बताइएगा। हम इसमें मेथड पूछेंगे, कौन सा मेथड लगेगा? प्रूव दैट द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट। कोई बता सकता है कैसे करोगे? एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज द थ्योरम। द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल गिवन है, दिस इज द रेक्टेंगल ए बी सी डी, द डायगनल, तो डायगनल भी आप बना दीजिए, और एक डायगनल यहां से भी बना दीजिए, जिस पॉइंट पे काटेगा उसको वो दे दीजिए नाम। तो बोल रहा है कि प्रूव करिए द डायगनल्स आर इक्वल, दैट मींस आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी इक्वल बी डी, और सेकेंड थिंग रेक्टेंगल
and bisect each other, that means OA is equal to OC and OB is equal to OD. Yahi aapko prove karna hai. These are the two things you have proved. This is the first part and this is the second part. Kaun kar sakta hai? Hello? Hello? Kaun sa use karoge? Kya use karoge? Bata sakte ho? Can you tell me? Diagonal of a rectangle. Triangle ABC, the triangle ABC and BAD. BC is equal to. Very good. ABC and triangle ABD. अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी BAD. BABD. SAS congruence. Side angle side criteria से triangle congruent हो जाएगा. If the triangle are congruent, then all the sides and all the angles are equal. Therefore, this side, that means AC is equal to BD. ये तो first part हो जाएगा. Second part के लिए क्या करोगे? Second part के लिए सर ट्रायंगल OAB ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल बिकॉज़ इट्स अ बिकॉज़ इट इज अ पैरेलोग्राम ABCD इज आल्सो पैरेलोग्राम रेक्टेंगल पैरेलोग्राम होता है देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल and this side is equal to this side kyun kyunki hai side of a rectangle opposite side of the rectangle are equal therefore this triangle angle side angle criteria triangle are congruent if triangle are congruent then OC is equal to OA that means OA is equal to OC and OB is equal to OD hence proved ho jayega any problem hello no sir ओम कुमार समझ में आया ओम कुमार नो सर नहीं समझ में आया सर समझ में आया हमने क्या बोला क्या बोले यस नहीं बता रहे हेलो हेलो कृपाकर यस शिवम आदर्श गिरी आदर्श तुम्हारा जरा फेस दिखाओ आदर्श गिरी ओपन योर वीडियो यस आदर्श प्लीज ओपन योर वीडियो बच्चे ओपन नहीं करते ऐसा क्यों निहारिका द्विवेदी श्वेतांजलि सिंह श्रेया प्लीज ओपन योर वीडियो एक बार अपना वीडियोस ओपन करिए कि हमारा इंटरेक्शन हो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बेटे पता ही नहीं लगता है हमें चलिए आगे चले हम हेलो चले आगे यस सर आगे चलो बेटे यस सर क्या हो गया ओके ओके यस तो हम एक दूसरी थ्योरम देते हैं फिर यस सर प्रूव दैट राइट डाउन प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बर प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर a triangle prove that the diagonal of a rhombus bisect bisect each other
at right angle. चलिए ये करिए जल्दी से. First of all, you draw a rhombus. एक rhombus बनाइए. rhombus तो जानते हो. rhombus की definition क्या होती है? All the four sides are equal. This side, this side, this side are equal. चलिए ये rhombus हो गया. और ये हमारा A, B, C, D and this point is O. Prove करना है. You prove that the diagonals of a rhombus, these are the diagonals AC and DB. Bisect each other. Both have bisect and right angle. और आपको right angle पे भी आपको show करना है. क्या कर सकते हो? पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे? हेलो हेलो सर. सी ओ बी और सी ओ डी. सर सी ओ बी और सी ओ डी. सी ओ बी पहले ये लीजिए. ए ओ बी और सर सी ओ बी सी ओ डी पहले बाइसेक सी ओ डी पहले ए ओ बी पहले ए ओ बी. अब मैं इसका सीधे प्रूफ कर देता हूँ. यहाँ देखिए. Let look sir, at here. Bisect करेंगे तो O A. In triangle A O B and triangle C O D we have. देखिए. This angle is equal to this angle. आप ये सम लिख देना. A B is parallel to D C. Then this angle is equal to this angle. मैं केवल only proving का छोटा-छोटा part कर देता हूँ. तो एंगल सी ए ओ ए बी एंगल ओ ए बी ये ओ ही बढ़ के सी बन गई है. इक्वल टू एंगल ओ सी डी ओ सी डी बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल angle and this side is equal to this side. So first we write the side. इसके बाद हम क्योंकि angle side angle criteria लग जाएगा. तो side AB is equal to CD. Why both are equal? Opposite sides of a rhombus. rhombus के अपोजिट साइड rhombus आर इक्वल. वैसे इसका इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल हमने शो कर रखा है. एंड सिमिलरली एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल ओ डी सी अल्टरनेट एंगल्स. Therefore, triangle AOB is equal to congruent triangle COD. Which criteria? Angle side angle criteria. There, okay. Therefore, OA is equal to OC and OB is equal to OD. OD. क्यों? By CPCT. Corresponding parts of the congruent triangle are equal. ये पहली चीज. ये first part. ये first part हमने ये prove कर दिया. सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि प्रूव करिए कि ये राइट एंगल पे. तो हम इसका सेकेंड पार्ट इधर करते हैं. अब दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. यू टेक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. नाउ अगेन इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल
OBC. See, we have. चलिए अब इसमें देखिए, this side is equal to this side, AB is equal to BC. Why? AB is equal to BC. Why? जल्दी बताइए, AB is equal to BC. AB is equal to BC. हेलो, यस सर, ये बताइए AB is equal to BC क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस, साइड ऑफ ए, साइड ऑफ ए, बिकॉज़ ऑल द रोम्बस आर इक्वल, द साइड ऑफ ए रोम्बस, BUS. नाउ सेकंड, OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB, व्हाई? सर कॉमन, वेरी गुड, कॉमन, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल. थर्ड, OA इज इक्वल टू OB, OA is equal to OC. Why? OA is equal to OC. Hurry up. Come on. OA is equal to OC. Why? By this side is equal to this side. Why? By proving. By proving. By proving. अभी proof किया हूँ. अभी proof किया हूँ. OA is equal to OC. By proving. By proving. By proving. अगर नहीं लिखा रहता, नहीं दिया रहता, तो बोलते कि the diagonals of the parallelogram bisect to each other. ये सब हमें जानते हैं, लेकिन यहाँ हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिखेंगे by proving. Therefore, triangle OAB congruent to triangle OBC. अब इसमें हमें जिसकी जरूरत है वो लिखेंगे. हम अब लिखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, COB, why? By CPCT. CPCT is a, if the triangle are congruent, then all the sides and all the corresponding angles are equal. इसका ये corresponding ये angle होगा. अब देखिए, और हम जानते हैं कि this is the OB, and we know. We know, क्या क्या जानते हो? We know, OB ray stand on a line AC पर खड़ी है ना, AC, then तो क्या हो जाएगा, then angle AOB plus angle BOC C is equal to 180 degree. Why? Linear pair of angle, and the sum of the linear pair angle is always be 180, and both the angles are equal. तो मैं इसकी जगह AOB लिख रहा हूँ. मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ. Therefore, angle AOB plus angle AOB AOB is equal to 180. मैंने ये AOB क्यों लिखा है? Because angle AOB is equal to angle COD. दिख रहा, अरे यार दिख रहा, sorry, कहाँ कर दूँ, इधर ऊपर कर दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ कर दूँ? Yes sir. Angle AOB plus angle AOB is equal to 180. Why? Because angle AOB is equal to angle COD. COD. क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था एंगल AOB is equal to, ये मैंने by CPCT लिखा था, और इस DOC की जगह हमने AOB लिख दिया. two AOB is equal to 180 degree and 212, and therefore angle AOB is equal to AOB over COB equal 90 degree and QED, that is hence proved QED, quod erat demonstrandum. चलिए, any problem? नो सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है.
ये वाला विनो हम लोग जानते हैं विनो ओबी दिस इज द रे रे स्टैंड ऑन ए लाइन एसी कोई भी रे लाइन पर स्टैंड करती है तो हमेशा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाती है मैंने लिख दिया एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एल फॉर लीनियर पी फॉर पेयर ए फॉर एंगल्स आप फुल फॉर्म में लिख लेना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अब इसकी जगह हमने बाइसिपिटी से दोनों इक्वल है तो COB की जगह मैंने AOB लिख दिया ट्वाइस हो गया कट गया AOB और AOB बराबर है COB के और दोनों 90 हो गया एंड दैट इज आवर प्रूविंग इसमें कोई प्रॉब्लम हेलो हेलो एनीबॉडी आदर्श श्री आदर्श नो सर आदर्श बच्चे बोलते नहीं है भाई सर एक बार आप शख्सब आदर्श आदर्श गिरी प्लीज टेल मी एनी प्रॉब्लम सर एक बार वंस अगेन ओके इस क्वेश्चन में आपसे इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन आस्किंग टू यू प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस लिसन बी अब सुनिए ना आप समझा रहे कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है अपने अपने पेरेंट्स को भी लेके बैठ जाइए हम उनको भी बढ़िया समझा देंगे लेकिन आवाज ना करें देखिए प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये आपको प्रूविंग करनी है आई एम म्यूट ऑल हेलो हाँ प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर दैट मीन्स यू हैव फाइंड दिस डायगोनल ए सी एंड डी बी बाइसेक्ट दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव प्रूव एंड द सेकेंड थिंग दिस बाइसेक्टर एट राइट एंगल एंड दे आर दैट मीन्स एंगल ए ओ बी angles BOC makes a right angle. Ye right angles bhi banate hain. That means this angle be right angle. You have proved this angle also. So now first you write, you have given in the given ABCD is a rhombus and we know in the rhombus all the four sides are equal. So we write given and then after proving to prove and our proof is OA is equal to OC and OB is equal to OD and angle AOB equal angle BOC equal 90 degree and my proof is first you take this triangle AOB and COD this angle are alternate angle because this side AB is parallel to DC and AC is a transversal line, therefore they make an alternate angle and alternate angles always be equal if lines are parallel. And this angle is also an alternate angle because this line and this line are parallel line, this is the transversal line and this angle are alternate angle and both the alternate angle are equal. And similarly, this side AB is equal to CD because the sides of the rhombus and right sides of the rhombus are always be equal. And we using, you put there, we write there, and we apply the property angle triangle AOB congruent to triangle COD, angle side angle criteria. Angle side angle criteria. Triangle are congruent. If triangle are congruent, then all the angles and all the sides are equal. And those sides we have used, we have find, only you have right there. Jo aapko cheez nikalni hai, use hi likhenge, jyada likhne ki koi avashyakta nahi hai. To hume keval yahan bisector ki jarurat hai, to hum bisector wali hi cheez likhenge, dusri cheez likhne ki koi avashyakta nahi hai. To here we have shown
OC is equal to OB and OB is equal to OD. Why? By CPCT. CPCT means corresponding parts of the congruent triangle are equal. So this is the first part we have shown. ये फर्स्ट पार्ट था जिसको मैंने शो कर दिया. द सेकेंड पार्ट प्रूव दैट द बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. दैट मींस दिस एंगल एंगल AOB एंड एंगल BOC इज 90 डिग्री. तो फर्स्ट वी टेक टू ट्राइंगल्स अगेन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC. वी हैव AB इज इक्वल टू BC. AB इज इक्वल टू BC बिकॉज साइड ऑफ द रॉम्बस. OB is common in both the triangle. OB is common in this triangle also OB and in this triangle also OB. Therefore OB, both OB sides common in both the triangle. And OA is equal to OC by proving. Here we prove OA is equal to OBC. We write here by proving. Therefore triangle AOB and triangle OBC are congruent. Which criteria? Side criteria. We write here sides and these all the three are sides. We have right here sides criteria and triangle are congruent. Therefore angle AOB, this angle and this angle are equal. Why? By CPCT. And we know if OB is a ray, this is the ray, stand on the line AC, they make a linear pair of angle. And the sum of the linear pair of angles is 180 degree, and we put there. And then again AOB, we put BOC or SCOB, both are the same thing. BOC equal to COB. We put there AOB, and AOB plus AOB is 2 AOB, and 2 is cancelled. 2 9s are 18, 2 0s are 0. Therefore, AOB equals COB, it is given, equal 90 degree. Henceforth, yahi hamara proving tha. I hope all of you. Hello? Okay. Start. Yes, sir. Any problem? No, sir. आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? रिपीट कर दिया. नो सर. दिस क्वेश्चन इज आल्सो कमिंग इन योर 9th क्लास. ये 9th क्लास में ऐसे का ही ऐसे आएगा, तो ये समझ लीजिए 9th क्लास का हमने करा भी दिया. चलिए और एक क्वेश्चन अब कर लीजिए आप कल के लिए. कल के लिए क्वेश्चन दे. कैन आई रेज इट? और टुमारो टू थ्योरम्स आई विल गिव यू. टुमारो आई गिविंग टू थ्योरम्स फॉर द होमवर्क. Now, the theorem prove that the diagonals of a square are equal and bisect each other. At right angle. This is the theorem, and another theorem also prove that the diagonal of a kite intersect
intersect, not bisect, intersect at right angle. These are the two theorems you have done in your homework copy. दो थ्योरम हमने दिया है, आप लोग शायद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाउ सम क्वेश्चन आई विल गिव यू, सम क्वेश्चंस आई विल गिव यू. आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है? हेलो. नो सर. नो सर. किसी के पास नहीं है? नो सर. सर मेरे पास है. तो आप इसका ऐसा एक बच्चे से तो कोई काम चलेगा नहीं. चलिए एक क्वेश्चन देते हैं. क्वेश्चन राइट डाउन क्वेश्चन. दिस इज द पैरेललोग्राम. दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. And this is also a bisector of angle, and they intersect A, B, C, D, and this is E and F. I will write here in the figure A, B, C, D. Is a parallelogram and the line segment segment A and CF bisect the angle A and angle C respectively. Respectively, show that AE parallel to CF. यही आपको प्रूव करना है. AE parallel to CF, you have proved it, and this is the question. Okay. एक क्वेश्चन और लिखोगे? हेलो. देखिए. ये तो आसान है क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन. लिखिए द लेंथ ऑफ द राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस. द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर and 12 centimeter respectively. Full stop. Find the length of each of its sides. Find the length of each of its sides. Rhombus ki sari sides equal hoti hain, to isme bahut easily aap ek side nikal loge to wahi sari sides ho jayengi. Aasan ho jayega ye question karna. Ek question aur likhoge? हेलो सर. एक क्वेश्चन लिखिए. ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. राइट डाउन हाउ मेनी मिनट्स वी लेफ्ट. हेलो. कितने मिनट सर? फोर मिनट्स सकते हो क्वेश्चन. देखिए, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इफ बी एम एंड डी एन आर द परपेंडिकुलर्स
are the perpendiculars from B and D on AC. If ABCD is a rectangle, if BM and DN are perpendicular from B and D on AC, prove that triangle BMC, prove that triangle BMC congruent ka symbol laga lenge, triangle DNA और फिर इसके आगे फुल स्टॉप करके लिखेंगे, इज इट ट्रू दैट BM इज इक्वल टू DN ? इज इट ट्रू दैट BM इक्वल DN? ओके, दीज आर द फोर क्वेश्चन. आई विल गिव यू फॉर टुमारो for this chapter, and I hope you have done all these questions. Know sir, about these theorems. Agar is theorems ke baare mein bhali bhati aap jaan loge, so these are the questions, we easily done it. Aap ye sare question bahut aasani se kar sakte hain, basharte apne dimag se kariyega, koi bhi mobile se nikalenge nahi. Mobile se nikaloge to aapko pata nahi lagega. आप आंसर तो लिख देंगे, प्रूविंग कर देंगे, अपने से करिएगा. कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा, लेकिन कोई मोबाइल से किसी बायजूस और ये कौन कौन से ऐप्स हैं उससे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चे, वो मत करिएगा, सॉल्यूशन मत निकालिएगा. नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, लेकिन अपना करना जरूरी है. ओके, तो ये मेरा एंड हो जाएगा, इस तरीके से एंडिंग हो जाएगा रिविजन क्वाड्रिलेटरल का. और बस मैंने क्वाड्रिलेटरल का ये खत्म ही करा दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर. हेलो हेलो सर, इस पे अपने क्वेश्चन तो क्लास के तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बुक्स के, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा. जो नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे. और नाउ फिर टुमारो वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ओके सर, छुट्टी है, संडे है. हाँ तो मौका है ना, चार दिन में चार क्वेश्चन खूब अच्छे से करिए. टुमारो दैट मीन माय टुमारो इज मंडे. ओके, माय टुमारो इज मंडे. ओके ओके सर, तो कैन आई एंड दिस मीटिंग? यस सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू स्टूडेंट.